नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक बहुत बड़ी जीत हुई। तीन सीटों पे हमने इंतखाबात लड़े, तीन की तीन सीटें हमने जीती हैं। ये क्लीन स्वीप है और ये सेमीफाइनल था। आने वाला फाइनल जो है वो असेंबली इलेक्शंस होंगी और हमें पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस में एतबार दिखाया है, नेशनल कॉन्फ्रेंस पूर्ण बहुमत के साथ जम्मू कश्मीर में एक स्थिर सरकार बनाएगी जो तीनों खित्तों की जम्मू कश्मीर और लद्दाख की यकसा नुमाइंदगी कर जम्मू कश्मीर और लद्दाख को मजबूत करेगी और जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों की आकांक्षाओं और भावनाओं तक पूरी तरह से उतरेगी। कितनी बड़ी जीत मानते हैं राणा साहब, महबूब मुफ्ती को हराया है आपके उम्मीदवार? आने वाले इंतखाबात में आप देखेंगे सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस ही आपको दिखेगी। विधानसभा के लिए तैयारी अभी से शुरू माने? विधानसभा की तैयारी तो हम हमेशा तैयार हैं। हम तो कह रहे थे इलेक्शन करवाइए, यही लोग भाग रहे हैं इलेक्शन से। आज इलेक्शन करवाइए, कल करवाइए, जब भी इलेक्शन करवानी है करवाइए। हमने तो कहा था साथ करिए, हम बिल्कुल इलेक्शन के लिए तैयार हैं और हमें पूरा यकीन है कि माता वैष्णो देवी जी ने चाहा और लोगों का प्यार इसी तरह मिला तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की अपनी एक सरकार बनेगी जो बिना बैसाखियों के सरकार होगी और एक मजबूत सरकार होगी। पक्ष की बात करें, लगातार जो ईवीएम मशीन है उस पर जो उंगली वो उठाते रहे हैं और शक वहाँ पर करते रहे, आपको क्या लगता है कि ईवीएम मशीन में कुछ गड़बड़ी हुई है क्या? देखिए, जो ईवीएम मशीन के पे जो बात हुई थी वो वीवी पैट की काउंटिंग की बात हुई थी कि वीवी पैट पहले काउंट किए जाएं या बाद में काउंट किए जाएं। और अगर जब वीवी पैट काउंट किए जाते हैं तो वीवी पैट के अगर डिस्क्रिपेंसी आती है तो क्या वो टेक्निकल एक इशू था? लेकिन जहां तक सवाल इन इंतखाबात का है, आज ये इंतखाबात ख़त्म हो गए हैं और मैं समझता हूँ कि इसमें हमें जो केंद्रीय सरकार मोदी साहब की बनी है उसको मुबारकबाद हमें देनी चाहिए और भाजपा को मुबारकबाद देनी चाहिए क्योंकि आखिर ये मत जो है लोगों का है, लेकिन ये मत था मोदी साहब के लिए। जब जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होगी तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में वो मत आएगा। सर, ये आपने बड़ी अहम बात यहाँ पर की कि लोगों ने मोदी साहब को वोट दिया इलेक्शन से पहले भी। हमारी इलेक्शन से पहले भी आपसे जब बात हुई थी तो आप तब भी यही बात कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं लद्दाख की अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस पहले अपना दावा पेश कर रही थी लेकिन काफी थोड़े पीछे रह गए, क्या कहेंगे? अगर लद्दाख में अगर कंटेस्ट में कांग्रेस अपना रेबल कैंडिडेट को ना खड़ा करती तो मैं समझता हूं हमने ये सीट कम से कम 10,000 वोटों से जीती थी। आज हम 1,000 वोटों से हार रहे हैं इंडिपेंडेंट हमारा। और अगर कांग्रेस ने अपना रेबल कैंडिडेट ना खड़ा किया होता और हमसे उसमें धोखा ना किया होता तो आज वो भी सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को, लेकिन हम अपने सिंबल पे वहाँ नहीं खड़े थे। हम तीन जगह अपने सिंबल पे खड़े थे, तीन जगह हमारे प्रत्याशी खड़े थे, तीनों के तीनों जीते। और अनंतनाग जो कि पीडीपी का एक गढ़ समझा जाता था और जिस पे हकदारी कांग्रेस अपनी करती थी वो भी हमने जीत के ये कर दिया कि वहाँ पे के लोग जो हैं वो भी हमारी तरफ देख रहे हैं। सर, क्या लगता है आपको कि अगर आपने जम्मू पुंछ और उधमपुर डोडा जो लोकसभा सीट है वहाँ पर भी नेशनल अपने कॉन्फ्रेंस अपने उम्मीदवार उतारती तो यहाँ पर भी उनको जीत मिल सकती? हमने एक स्ट्रेटेजिक पॉलिटिकल पोल अरेंजमेंट किया था जिसमें कांग्रेस ने कहा हम ये लड़ना चाहते हैं और वो कहते थे कि हम जीत सकते हैं, तो हमने उनको लड़ने का मौका दिया। शुक्रिया सर। जी हाँ, ये थे देवेंद्र राणा जी जो कि हमारे साथ बातचीत कर रहे थे और तीन सीटें